नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गोवल कैमरा LMC एडर 4 रिलीज 13 के बारे में। इस जीकैम के साथ जो है हम यहाँ पर XML फाइल को शेयर करने वाले हैं। इस XML फाइल के साथ जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के दौरान जो है यहाँ पर फोटो सैंपल को भी हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं आपके साथ। वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर इस जीकैम के साथ इस XML फाइल के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर लाइका फोटो मोड का ऑप्शन है, पर LDR मोड को ऐड किया गया है, लो डायनेमिक रेंज मोड का ऑप्शन है, पर प्रो मोड का ऑप्शन है। प्रो मोड के साथ जो है पर यहाँ पर जो है कॉन्ट्रास्टी फोटो देने को मिलता है। यहाँ पर अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल के साथ भी फोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, पर ऑटो फ्रेम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। जो है HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रो मोड का ऑप्शन है, मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस जीकैम के साथ ढेर सारे ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते इस गूगल कैमरा को किस तरह से यहाँ पर जो है डाउनलोड करने के बाद जो है XML फाइल को किस तरह से यहाँ पर जो है सेटअप करना होगा। सबसे पहले इस जीकैम को डाउनलोड करना होगा, प्लस जो XML फाइल है उसे डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो है इस गूगल कैमरा के साथ साथ जो XML फाइल है दोनों का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाके जीकैम प्लस XML फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर गूगल कैमरा को डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है ओपन करना होगा इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो सेटिंग्स में जाके यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में जाके सिंपली यहाँ पर जो सेव सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करने के बाद ES में टैप करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपने जो है XML फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके XML फाइल को सिलेक्ट करके थ्री डॉट में टैप करके कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में जाके LMC 8.4 करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो पेस्ट कर देना होगा। तो ये जो XML फाइल है इसे सिंपली कॉपी करके LMC 8.4 करके जो फोल्डर रहेगा इस फोल्डर में सिंपली पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर से गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा। जीकैम को रीस्टार्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको 4:3 सिलेक्ट करना होगा। 4:3 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपली जो XML फाइल है उसे सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट में टैप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो है किसी भी गूगल कैमरा के साथ जो है XML फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ। तो इस तरह से आप जो है XML फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। नाउ ये जो XML फाइल है मेनली यहाँ पर ओप्पो फाइंड X3 डिवाइस के लिए तैयार किया गया है। तो जो ओप्पो का तरफ से ओप्पो फाइंड X3 डिवाइस के लिए इस XML फाइल को तैयार किया गया है, बट हमने यहाँ पर जो है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो इस XML फाइल के ऊपर जो है इंपोर्ट किया है। देखते किस तरह से जो है फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। इस XML फाइल के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बेटर लाइट एंड शेडो मैनेजमेंट देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो मेन कैमरा, फ्रंट कैमरा, अल्टर्ड लेंस के साथ जो है यहाँ पर सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम करते हैं। प्लस जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आपको यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा इस XML फाइल के साथ। नंबर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फोटो क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम जो है आपके सामने लाइव फोटो को क्लिक करने वाले, देखते किस तरह से पर्चे फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। सबसे पहले पर जो HDR इनहेंस मोड का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। बाकी यहाँ पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड वे यहाँ पर जो प्रोमोट का ऑप्शन है, पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो HDR इनहेंस मोड है प्लस जो ऑटो फ्रेम के साथ जो फोटो को क्लिक करते देखते किस तरह से पर्चे फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर जो MI2 डिवाइस का जो फोटो क्लिक करने वाले देखते किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड के साथ फोटो को क्लिक करने के बाद जो फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल करते हैं। हमने यहाँ पर जो ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है इसे हमने एनेबल किया है। नाउ यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो फोटो को क्लिक करके देखते किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल करने के बाद। एंड यहाँ पर HDR प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नाउ यहाँ पर जो लाइका फोटो मोड का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर जो एनेबल किया है। देखते हैं पर जो लाइका फोटो मोड के साथ जो किस तरह से पर जो
फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। हमने यहाँ पर लाइक फोटो मोड का जो ऑप्शन है इसे हमने एनेबल किया है, प्लस जो ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी एनेबल है। यहाँ पर लाइक फोटो मोड के साथ आपको यहाँ पर काफी हद तक सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर एलडीआर मोड का ऑप्शन है, हम सिंपली यहाँ पर प्रो मोड के साथ फोटो क्लिक करने वाले हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रो मोड के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। एंड हमने यहाँ पर प्रो मोड को सिलेक्ट किया है एंड इस तरह से आप जो है प्रो मोड के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो कुछ फोटो को क्लिक किया है और भी कुछ फोटो को हम क्लिक करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पर प्रो मोड को डिसेबल करते हैं एंड यहाँ पर जो है मैनुअल मोड का ऑप्शन है, इसे भी ऑप्शन को एनेबल करके देखते हैं किस तरह से ऑप्शन देने को मिलेगा। देख सकते हो हमने यहाँ पर जो मैनुअल फोकस मोड का जो ऑप्शन है एनेबल किया है, यहाँ पर शटर स्पीड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, अलग अलग जो ऑप्शन है अवेलेबल है इस जीकैम के साथ, पर एस्ट्रो डायमंड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो इस तरह से आप जो है प्रोमोट एंड एक बार जो मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है उसे आप जो है एनेबल और डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है इस गूगल कैमरा के साथ। नाउ यहाँ पर सिंपली और कुछ फोटो को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है पोको F1 डिवाइस, इसके साथ कुछ फोटो को क्लिक करके देखते हैं एंड यहाँ पर फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जो लाइका मोड का जो ऑप्शन है इसे भी हम एनेबल करते हैं, हमने यहाँ पर जो लाइका मोड का जो ऑप्शन है इसे एनेबल किया है, प्लस जो ऑटो एड बैलेंस है इसे हमने सिंपली यहाँ पर जो डिसेबल कर दिया है। तो यहाँ पर लाइक अमाउंट का जो ऑप्शन है एनेबल है, प्लस यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर जो डिसेबल कर दिया है एंड यहाँ पर जो लाइक अमाउंट है इसे सिंपली डिसेबल करते हैं फिर से। इस तरह से आप जो इस जीकैम के साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक होता है। तो हमने यहाँ पर जो काफी फोटो को क्लिक किया है आपके सामने लाइव, यहाँ पर हमने फोटो क्लिक किया है, देख लेते किस तरह से पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकैम के साथ। सबसे पहले देख सकते हो ये जो फोटो हमने यहाँ पर क्लिक किया है कुछ इस तरह से इस जीकैम के साथ जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, काफी हद तक जो पर नेचुरल कलर देने को मिल गया है, ज्यादा सैचुरेट कलर देने को नहीं मिल रहा है, काफी हद तक जो है यहाँ पर एक्यूरेट कलर देने को मिल गया है। यहाँ पर जो HDR मोड है HDR इनहांस मोड काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा, प्लस काफी हद तक जो नेचुरल कलर देने को मिलता है। इस तरह से जो लाइक फोटो मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इस जीकैम के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर लाइक फोटो मोड का जो ऑप्शन काम करते हैं, पर सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलेगी इस जीकैम के साथ। देख पाओगे यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड है कुछ इस तरह से काम करता है, प्लस यहाँ पर जो लाइक फोटो मोड का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, काफी हद तक जो पर कॉन्ट्रास्टी फोटो देने को मिल जाएगी इस जीकैम के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर एंड इस जीकैम के साथ जो ढेर सारे ऑप्शन को भी ऐड किया गया है एंड यहाँ पर जो है बेटर कलर विद बेटर ड्रिलिंग देने को मिल जाएगा, प्लस पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा इस जीकैम के साथ। एंड फीचर्स की अगर बात करें ढेर सारी फीचर्स को ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है फोटो प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर प्रो मोड का ऑप्शन है, LDR मोड का ऑप्शन है, पर मेन कैमरा, टेलीफोटो लेंस, अल्टरनेट लेंस, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो है लिप पैचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, फोटो का जो क्वालिटी अब यहाँ पर से इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर एक्जिनोस फिक्स का ऑप्शन है, HDR रॉ फिक्स का ऑप्शन है, ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, HDR मॉडल, यहाँ पर इंटरफेस मॉडल का ऑप्शन है, व्यू फाइंडर फॉर्मेट का ऑप्शन है, रॉ फॉर्मेट का ऑप्शन है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फंक्शन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है अपस्क्रीन फोटो का ऑप्शन, अब सिंपली 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल के साथ भी फोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर फोकस स्लाइडर का ऑप्शन है, नाइट मोड फोकस एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, व्यू फाइंडर सीरीज के ऊपर जो अलग अलग बटन को एनेबल कर सकते हो, जैसे कि LDR मोड का ऑप्शन है, लाइक मोड, प्रो मोड, यहाँ पर लिप पैचर का ऑप्शन है, अपस्क्रीन फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, OIS का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ऑटो एड बैलेंस का जो बटन है ऐड किया गया है, फोकस स्लाइडर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, अलग अलग बटन्स को एनेबल कर सकते हो, प्लस जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, यह सब जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस जीकैम के साथ। आप डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर, इस गूगल कैमरा के साथ जो ढेर सारी एडवांस फीचर्स को ऐड किया गया है एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके लेटेस्ट जो जीकैम 8.7 का जो रिव्यू वीडियो है उसे आप जरूर से चेकआउट करके देखो एंड
वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इस जीकेएम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर इस जीकेएम को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके आपके डिवाइस के ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 13 सभी एंड्रॉइड वर्जन के साथ ये जो जीकेएम का जबल्ट काम कर जाएगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।